आज मिलू कई थस गा कल मिलू कई थस, दिन हा पहागे तोरे इंतजार मा, मोर लाइफ लाइन मोर चोकोबार। काजल काजल हाय है काजल काजल, काजल काजल मोर बरले दे काजल। तो संगवारी हो, अभी हमारे साथ है शिवानी वैष्णव जी, जेकर गाना आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ थे, मोर लाइफ लाइन मोर चोकोबार ऐसे करके। ये गाना ला रिकॉर्ड में है डीसी म्यूजिक, अपन उर्गा कोरबा में है रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वहाँ रिकॉर्ड करे हो। और बाकी मोला पता नहीं रिस्क ये गाना है इतना वायरल हो जाए करके, और मोला बहुत खुशी होती है कि गाना ला सब इंस्टाग्राम में रील वगैरह बनाते हैं और पूरे सोशल मीडिया में छाए। तो अच्छा, आप रील देखता हो कि नहीं देखा गाना? देखते रोज देखते। अच्छा, कैसे लगते हैं आपके गाना जब रील बन इतना इतना ज़्यादा, कैसे फील होते? बहुत ही अच्छा लगते है और जनता मन के माया दुला रही। और बाकी और जितना भी गाना थे और मोर संगवारी मन से निवेदन है कि बिल्कुल सब गाना मतलब पसंद करे और लाइक करे। नहीं अच्छा, हम जानना चाहबो ने गाना कौन लिखे है? ये गाना तो मैं लिखी हूँ। अच्छा, कैसे टाइप में ध्यान आई लाइफ लाइन चोकोबार, मतलब समझ नहीं आवाते ऐसे आप बन गए लाइफ में कुछ होएगा, कुछ चोकोबार खिला ऐसे टाइप में कुछ? नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, बाकी सब कोई बोलते बाबू सोना नहीं। अच्छा। अपन अपन लाइफ में कुछ कुछ प्यारा वर्ड रहते तो मैं बोले कि थोड़ा सा अलग थोड़ा लेटेस्ट से कुछ नहीं बोलना चाहिए और गाना लिखना चाहिए ऐसे करके। अच्छा, शुरू में जब आप बन गए तो प्ले बैक से ही शुरुआत कर रहे हैं गाना, फिर अलग तरीके से गे रहे तैयारी करके? नहीं नहीं तैयारी तो शुरू से कर रहे हैं मैं, बाकी वहाँ जाए के बाद थोड़ा अच्छा बन गया सब, मतलब पता नहीं इसकी गाना है इतना मतलब चल जाए करके। आज मिलू कल मिलू ऐसे कि एकदम नया नया वर्ड अपन के दिमाग में कहाँ से आते, थोड़ा बता दो। अब जनता मन आजकल थोड़ी यूनिक शब्द पसंद करते हैं, मतलब लेटेस्ट कुछ कुछ नया नहीं तो बिल्कुल ये सब ला सोच के मैं गाना बनाता हूँ। अच्छा, तो मोर दिमाग थोड़ी यूनिक चल गई है ना, तो गाना थोड़ा फरमाइश बनते हैं, जनता मन भी सुनना चाहते हैं, यूट्यूब में सुने लेकिन आज इंटरव्यू के जरिए से थोड़ा आप मन आया तो सुना दो हमारे जनता मन। बिल्कुल बिल्कुल। आज मिलो कई थस गा कल मिलो कई थस, आज मिलो कई थस गा कल मिलो कई थस, दिन हा पहागे तोरे इंतजार मा, मोर लाइफ लाइन मोर चोकोबार, मिस कर थोड़ा जा तोला बार बार, मोर लाइफ लाइन मोर चोकोबार, मिस कर थोड़ा जा तोला बार बार। एक काजल काजल आप मन के गाना बहुत ज्यादा वायरल हो रही से, वो बहुत रील बने रही से, वो गाना की जर्नी के बारे में कुछ बताओ हमारे दर्शक मन ला। बोला जब मैं रिकॉर्ड करेगी रहन तो मोला लगी इसके पहले मैं पायल पायल बनाओ करके। अच्छा। मगर मैं सोचे मगर वे सोचिन कि पायल पायल तो बहुत सारा बहुत दिन मन गाड़ा ले। अच्छा। पायल तो पायल ऐसे लगी इस कुछ भी नहीं हिंदी भी। हाँ हाँ, तो मैं सोचिन कि मोला ज़्यादा काजल पसंद है, मतलब काजल लगाना लड़की मतलब कुछ कुछ ना पसंद रहती नहीं, तो मोला ज़्यादा काजल पसंद है, बोले सोचिन कि थोड़ा काजल काजल शब्द करके गा दो ऐसे करके। हो का सोच रहे हो गाना इतना हिट हो जाए? नहीं नहीं कभी नहीं सोच रहे हैं। अच्छा, आज वही गाना के नाम से आप मतलब जानते का लगते मोला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वही गाना आप मतलब फेम दे दीजिए नया पहचान। हाँ, वो लगभग लगभग 18 मिलियन से पार हो गए। अच्छा, लाइव शो में जब जाता था तो सबसे गाना कौन सा गाना फरमाइश आते? काजल 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 काजल। और चोकोबार के? अब चोकोबार की भी फरमाइश आयल चालू हो गई। अच्छा, अभी एक आध दो प्रोग्राम दे चोकोबार में? हाँ लगभग लगभग 5-6 प्रोग्राम दे डाली। सही बात है। अच्छा, ये तो रही अपन ये गीत संगीत जैन अपन के बहुत ज़्यादा गाना वायरल हुआ है, कितना ठोक गाना अपन के रिकॉर्डिंग हो चुके? अभी तक लगभग लगभग 30 से 35 गाना रिकॉर्ड हो गए। सबसे फेमस फेमस अगर गाना की बात कर जिन मिलियन मिलियन के तेन बता। मोर सॉन्ग है पीला फूल राजा करके, और मोला काजल पसंद है लिपस्टिक पसंद है करके, और कर्मा सॉन्ग है। हाँ, और बहुत सारा काजल 2 काजल 3 बहुत सारा गाना है। तो ये सब में आप मन के फेवरेट कौन है राहुल बता दो। मोर फेवरेट सॉन्ग तो फिलहाल काजल काजल है। अच्छा, तो फरमाइश तो बनते काजल काजल। बिल्कुल बिल्कुल। काजल काजल हाय है काजल काजल, काजल काजल मोर बरले दे काजल, दिखावा हावे तोर प्यार हा, माया मोला नहीं करसगा दीवाना, माया मोला नहीं करसगा, माया मोला नहीं करसगा दीवाना, माया मोला नहीं करसगा। काजल काजल हाय है काजल काजल।
इस गीत संगीत अब सिंगिंग करियर के बारे में भी तो आप मन बतावा, कैसे टाइप में हमने स्टार्ट करे, कैसे टाइप में फील हमारे काला देख क्या बतावा। मैं जब 7 साल के रहें तब से मोर पापा रामायण वगैरह में अच्छा मतलब गाना वाना 2-4 भजन गवाए पर लेके ओकर बाद धीरे धीरे भागवत वगैरह में और जगराता वगैरह में धीरे धीरे स्टार्ट करें और आज ये मोर गाना मन वायरल हो गई। सब मोल बहुत ही खुशी लगते कि कम से कम जनता मन मोला जानिस। सही बात है। कई साल की उम्र में अपन स्टार्ट कर रहे सिंगिंग करियर में? मैं लगभग 7 साल या 8 साल के रहे हूँ, तब से मैं थोड़ा बहुत ओटा मादरी से मोला। हाँ कोकरो से ट्रेनिंग ले हो का सिंगिंग की? नहीं नहीं मोर पापा है ही मोर सिंगिंग लाइफ के करियर है, वो हम मोला हाँ वो हम मोर गुरु है और वही सिखाई मोला और आज कम से कम ओकर कुछ ज्ञान रखे हो तब थोड़ा गाना वाना बना लेते। अच्छा अपन के घर में सिंगिंग के लिए तो अच्छा माहौल है लेकिन घर के मन देखते क्या बोलते हैं अपन सिंगिंग का? लड़की मतलब सिंगिंग करने के लिए फ्रीडम नहीं देवाना घर के? नहीं पहले ऐसे हो कि थोड़ा सा गाना वाना बाहर नहीं जाना है करके, बट जब से गाना वाना मन वायरल हुआ तब समझते कि हाँ ऐसे भी होते कि लोग मन जानते करके। नहीं हाँ अच्छा सिंगिंग के अलावा क्या क्या करता आप मन, पढ़ाई लिखे या फिर कुछ? नहीं नहीं मोर 10वीं तक की पढ़ाई है और बाकी मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करे हूँ। अच्छा और बाकी तो प्रोग्राम वगैरह बस गाना वाना और बाकी ऐसे बैकअप में। अच्छा सिंगिंग में ही अब हाँ, आगे जो भी करना चाहा था वो कर सका था इस टाइप में। ये फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ कुछ। मोर फैमिली में मम्मी पापा और 2 भैया है, मैं सबसे छोटी हूँ और क्या बोलूँ मैं। अच्छा आप मन के नाम रियल नाम है शिवानी वैष्णव, बचपन के नाम लो भी बता दो का रखते अपन के घर। अच्छा पहली तो यूट्यूब में वगैरह में जब गाना गाऊँ ना तो शिव कुमारी नाम से ही मुझे जाने जाते रहे से और मोर निक नेम रिसे शिवानी है। अच्छा। लेकिन शिवानी के नाम से आज पूरा तो संगवारी शिवानी वैष्णो जिसे बातचीत करा था बहुत अच्छे लगा थे। सोशल मीडिया में फेमस होना बहुत ही डिफिकल्ट थी लेकिन मैं वो मुकाम आज हासिल कर दी जिन मुकाम तक पहुँचे के लिए आज के नव युवक सिंगर मन बहुत संघर्ष करते हैं। तो चला संगवारी ये तो हमारे साथ सही से शिवानी वैष्णो जी जेखर गाना हम सुना था बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में। मैम मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद देव उनके हमारे चैनल में प्रजेंट हुई से कावारी खर मन के गाना सुनत रहे बहुत अच्छा लगा था आज मिलने भी मौका मिली से। और मैम मन बहुत टाइम अभी हम लोग बाइट के लिए समय दी इसका बिजी शेड्यूल समय देखा बहुत अच्छा लगा था। धन्यवाद मैम हमारे चैनल बिल्कुल आप मन भी धन्यवाद और मोर जनता संगवारी मतलब बोलना चाहूँ कि हमारे भाई के ये चैनल बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना है और आगे तक लेके जाना है। तो संगवारियों फिर मिलते हैं कोई अन्य सिंगर के साथ ऐसी ही, तब तक के लिए आप मन से लेते हैं जय जोहार जय छत्तीसगढ़।